अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समाज सहयोग करे और अपनी हठधर्मिता छोड़े। मुख्यमंत्री रघुवर दास के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। ज्यादातर लोग कोर्ट के फैसले को मानने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का कहना है कि मंदिर निर्माण में मुसलमान बाधक नहीं बन रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समुदाय किसी रूप में इसको नहीं लेता है, नेगेटिव नहीं लेता है, बल्कि सीएम साहब ने दो बात जरूर कही है। एक बात तो कही है कि हठधर्मी पर ना आए, लेकिन दूसरी बात उन्होंने साथ ही दूसरा सेंटेंस कहा है कि ये मामला अदालत में है, अदालत के जो फैसले आएंगे वो माननीय होगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमान उसी वक्त से इस बात का आह्वान कर चुके हैं, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले पर जो भी फैसला होगा वो काबिल एहतराम होगा। ऐसा है कि राम मंदिर के मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश में दिया है कि दोनों समुदाय मिलकर अपना वार्ता करके इस मामले को हल कर ले, और उसी बात को झारखंड के वजीर आला ने इस तरह किया है। तो पहले तो ऑफर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बैठकें करके सरकार का मनसा है कि जो संवैधानिक है वैधानिक है, और बात करके ये शुरू से रहा है। तो बात का अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, बैठकर दोनों समुदाय को मामला हल कर लेना चाहिए। हज हाउस के उद्घाटन समारोह में पहुंचे नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आस्था से जुड़ा है, लिहाजा इसमें सभी समुदायों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण होगा क्योंकि वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। हर चीज आस्था का होता है ना, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानता है, कोई काबा जाता है, मक्का मदीना, तो तरह तरह की चीजें हैं, सबके आस्था हैं, सबके धर्म हैं। हिंदुओं के धर्म स्थल है अयोध्या, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर वहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बनेगा राम मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा, और उसमें सबका सहयोग चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां इसका अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती आई हैं। अब एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत में यह भी मुद्दा अभी विचाराधीन है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन संजय के साथ न्यूज 11 के लिए शहनवाज की रिपोर्ट।